Assalamu alaikum khawateen aur hazrat, hope you all are fine and welcome back to another video. तो आज की वीडियो में आपके साथ जो चीज़ शेयर करने वाला हूँ वो दरअसल है इंग्लैंड का T20I वर्ल्ड कप जो कि 2021 का सूनर शुरू होने वाला है उसका स्क्वाड. तो स्क्वाड को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दे, वीडियो को लाइक कर दे, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, क्योंकि ये वो टीम है जो कि रनर अप थी पिछले वर्ल्ड कप 2016 की. तो अगर स्क्वाड पे हम आएँ तो कैप्टन इयान मॉर्गन एज ऑलवेज, उसके अलावा जॉस बटलर, जेसन रॉय, जॉनी बरेस्टो, सैम बिलिंग्स, आपके पास टिमाल मिल्स आता है, क्रिस वोक्स आता है, मार्क वुड आता है, मोइन अली आता है, आदिल रशीद इन्होंने स्क्वाड में अनाउंस किया है. टिमाल मिल्स अगर मैंने नहीं बोला तो टिमाल मिल्स में आपको बताता हुआ चलूँ, डेविड मल्लान है, उसके अलावा डेविड विली इन्होंने स्क्वाड में अनाउंस किया है. और इसके अलावा अगर मैं यार क्रिस वोक्स अगर बताया तो क्रिस वोक्स में आपको बता चूँ. और अगर तीन रिजर्व प्लेयर की मैं बात करूँ तो उसमें जेम्स विंस आते हैं, लियाम डॉसन आते हैं और आपके पास तीसरे प्लेयर आते हैं टॉम करन. दो प्लेयर जगह मैं स्क्वाड किया बताना भूल गया, वो हैं एक सैम करन और एक लियाम लिविंगस्टन. तो ये था इंग्लैंड का मुकम्मल स्क्वाड. तीन बंदे रिजर्व जो मैंने बताया उसमें आपको मैंने बता चुका हूँ, लियाम डॉसन आ चुका है, उसके अलावा जेम्स विंस है और तीसरा प्लेयर है टॉम करन. अभी अब पता नहीं है कि ये जो तीन रिजर्व प्लेयर हैं ये तब ही खेल सकते हैं जब कोई सूरत हाल ऐसी हो जाए कि यार कोई प्लेयर इंजर्ड है या कोई किसी को कोविड हो गया है, उस सूरत पे खेल सकते हैं, या तो ये ऐसे भी खेल सकते हैं कि अगर कोई परफॉर्म अच्छा नहीं कर रहा. तो अगर हम इसकी इनकी प्रॉबेबल 11 एक बनाएँ तो ऑब्वियस होगी कि आपका जॉस बटलर और जेसन रॉय ओपनर्स होंगे, जबकि तीसरे नंबर पर डेविड मलान आएगा, चौथे पे कैप्टन इयान मॉर्गन, पांचवें पे जॉनी बेयरस्टो, छठे पे लियाम लिविंगस्टन, सातवें पे मोइन अली, आठवें पे आदिल रशीद और तीन फास्ट बॉलर जिसमें क्रिस जॉर्डन, क्रिस वोक्स और मार्क वुड के खेलने के चांसेस हैं. आप डेविड विली को भी टीम में ऐड कर सकते हो. तो ये सारी वीडियो थी, उम्मीद आपको पसंद आई होगी. मिलते हैं किसी अगली वीडियो में. अल्लाह हाफ़िज़.